स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक प्रॉपर्टीज, मेटल की प्रॉपर्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल की प्रॉपर्टीज। चैप्टर नंबर 4 का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम सारे टॉपिक्स डिटेल में कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है मेटल की प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। मेटल क्या होती है? मेटल आर दो स्पीशीज विच कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसी तमाम की तमाम स्पीशीज जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। इजीली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली छोड़ लेती हैं। अब इसी के साथ दूसरी चीज आती है हमारे पास, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? जो इजीली आराम सुकून से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं, गेन कर लेती हैं। किन इलेक्ट्रॉन्स को? जो मेटल्स ने छोड़े होते हैं। मेटल्स हमारे पास मेटालिक करेक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मेटल के अंदर और मेटालिक प्रॉपर्टीज के अंदर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटालिक करेक्टर चेंज कैसे होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानी मेटालिक करेक्टर जो होता है हमारे पास इंक्रीज करता है। मतलब उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी बढ़ेगी, उसकी वजह से नंबर ऑफ शेल्स, एक्स्ट्रा शेल्स एड होंगे, एक्स्ट्रा शेल्स आर एडेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो क्या करेंगी न्यूक्लियस को और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या करेंगी? दूर रखेंगी। अब उनके दरमियान में जो रिपल्सिव फोर्सेस बन रही हैं वो क्या काम कर रही हैं? न्यूक्लियस का होल्ड कमजोर कर देंगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहले हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी आ रही है, दे शो मेटालिक लस्टर। वो क्या करते हैं? मेटालिक चमक शो करते हैं। मेटल जो होती है चमकरी होती है। जैसे आप लोग किसी भी मेटल को काटेंगे, जैसे कि हमारे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सरिये की बात कर लेते हैं, सरिये के या किसी आयरन के रॉड को आप लोग काटेंगे तो आप लोग देखेंगे उसके जो अंदर से सरफेस निकलेगी वो शाइनी होगी, चमक रही होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे शो मेटालिक लस्टर। मेटल्स क्या हो रही होती है? चमकदार होती हैं, चमकती हैं। दे आर यूजली मैलेबल एंड डक्टाइल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या रही है? मैलेबल होती है और डक्टाइल होती है। मैलेबल क्या है और डक्टाइल क्या, हम इनकी तरफ चलते हैं। मैलेबल में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी मेटल को कूट कूट के हैमर से पीट के या हैमर से उसको हम लोग ब्रीक कर करके क्या बना सकते हैं? शीट्स बना सकते हैं। मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। जिसमें हम उसको क्या कर लेते हैं? मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को किस चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं? शीट्स में। किसमें? शीट्स में। मैलेबिलिटी में किस चीज में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? शीट्स में। और डक्टिलिटी में क्या होगा? डक्टिलिटी में आप लोग मेटल को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? वायर्स में। किस फॉर्म में? वायर्स की फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। किसमें? डक्टिलिटी में। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी में किसी में चेंज होगी, जैसे हमारे पास मेटल, जो हमारे पास गिवन मेटल है वो किस फॉर्म में आ जाएगी? हमारे पास वायर्स की फॉर्म में, तारों की शक्ल में आ जाएगी, बारीक तार। अब अगली प्रॉपर्टी क्या आ रही है? दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जैसे कि हमें पता है मेटल्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। रीजन मैं बता चुका हूँ पहले भी, हमारे पास जो टॉप पे मेटल होगी ना सबसे ऊपर, उसका मेटालिक करेक्टर नीचे वाली मेटल्स की निस्बत क्या होगा? कम। इसलिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसका क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल है, लेकिन हम लोग उसको किधर रखा हुआ है? फर्स्ट ग्रुप के 1A एलिमेंट्स पे रखा हुआ है, टॉप पे। लेकिन उसके बाद क्या आता है? लिथियम। लिथियम का जो हमारे पास क्या होगा मेटालिक करेक्टर, वो नीचे वाली मेटल्स की निस्बत क्या होगा? कम होगा। इसी वजह से उसके क्या होंगे? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, क्योंकि उसका जो साइज होगा वो बाकी नीचे वाली मेटल्स की निस्बत क्या होगा? छोटा होगा। आगे मेटल्स हैं शाइनिंग सरफेस। इनकी सरफेस क्या होती है? चमकदार होती है। अब हम चलते हैं इनकी अगली प्रॉपर्टीज की तरफ। बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड फॉर्म के टाइम्स वेरी इजीली। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इनका जो साइज होता है बड़ा होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल्स हैं। जैसे जैसे शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियस की पावर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। न्यूक्लियस का होल्ड उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कमजोर होता जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वीक होता जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में, ऐसी कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम लगेगी। रीजन क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है? टॉप से बॉटम कम होती जाएगी। रीजन, आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आयनाइजेशन एनर्जी उस दरकार एनर्जी को कहते हैं जो हमारे पास रिक्वायर होती है किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का। और क्योंकि हमारे पास मेटल्स की बात हो रही है तो मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम लगती है। अगली प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। रीजन, क्योंकि हमारे पास इसके न्यूक्लियस का जो होल्ड है बहुत कमजोर है, जब न्यूक्लियस का होल्ड ही कम होगा तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस पाए जाएंगे, और जिधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस होंगे उधर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट होती है। इसके बाद अगली प्रॉब्लम, ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें होंगे सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। आज का हमारा ये टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।